हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। आज हम लोग आए हैं राजकृष्णा मोटर्स दरभंगा और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं मारुति की तरफ से आने वाली बलिनो। बलिनो एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी में आती है, इसलिए चलिए आज इसका वॉक अराउंड देखते हैं हम लोग। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का VVT इंजन। बात करें इसके पावर्स की तो इसमें आपको 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है। इसमें आपको 88 bhp ऑन 6000 rpm की पावर मिल जाएगी। और बात करें इसके टॉर्क की तो 113 Nm का टॉर्क मिल जाता है इसमें। ARI जो क्लेम करती है माइलेज वो है 22.3 kmpl का, लेकिन कुछ लोगों को इससे ज़्यादा भी मिल रहा है क्योंकि ये मारुति की गाड़ी है तो अच्छा खासा इसमें आपको माइलेज मिल जाता है। वैसे बात करें इसके ड्राइव टेरेन की तो इसमें आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिल जाता है। बात करते हैं इसके डायमेंशंस की तो इसमें आपको 3919 mm का लेंथ मिल जाता है और 1745 mm वाइड है ये कार। बात करते हैं इसके हाइट की तो 1500 mm का हाइट मिल जाता है। व्हील बेस मिल जाता है आपको 2520 mm का। कर्व वेट की बात कर ही लेते हैं तो साथ में इसमें आपको मिलता है 945 kg का कर्व वेट। अब इधर आ ही गए हैं तो बात कर लेते हैं अब इसके फ्रंट लुक्स की। फ्रंट्स देखने पे कितनी सुंदर कार है ये। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ग्रिल की तो यहाँ पे ग्रिल पे आपको क्रोम एलिमेंट मिल जाता है और ये रहा इसका सुजुकी का बड़ा सा लोगो। ग्रिल आपको ब्लैक मैट फिनिश में मिलेगा। चलते हैं इसके इस साइड तो इसमें आपको प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स LED में मिल जाएंगे। इंडिकेटर हेलोजन्स में मिलते हैं और साथ ही साथ इन हेडलाइट्स में आपको ट्राई डिजाइन में DRL भी ऑफर किया जाता है। अब इसके साइड की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने नोटिस करेंगे इसका अलॉय व्हील्स। जी हाँ, इसमें आपको अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, ये सिंगल टोन में मिलेंगे आपको। बात कर लेते हैं अब इन टायर्स के डायमेंशंस की तो इसमें आपको 195/55 R16 मतलब कि 16 इंच का टायर इसमें आपको मिल जाता है। अच्छा खासा वाइड है ये टायर। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे जबकि रियर में बस और बस ड्रम ही मिलता है। थोड़ी ऊपर की तरफ चलते हैं। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि विंडो के सराउंड आपको क्रोम अच्छा खासा मिल जाता है और हैंडल्स पे भी क्रोम मिलता है कि विंडोज काफ़ी वाइड हैं। इसमें आपको काफ़ी एयरी कैबिन मिल जाता है। इसके पिलर्स की तरफ देखें, ए पिलर आपको ब्लैक मैट फिनिश में मिलता है, बी पिलर भी आपको ब्लैक मैट फिनिश में मिलता है। ये रहा इसका ORVM पे टर्न इंडिकेटर्स भी ऑफर किए गए हैं। इसमें आपको ऑटोमेटिकली रिट्रेक्टेबल एंड ऑटोमेटिकली फोल्डेबल का फंक्शन भी मिल जाता है। इसके साइड लुक की तरफ देखें, ये रहा इसका साइड लुक, अच्छा खासा क्रोम का यूज़ किया गया है इसमें। चलते हैं अब इसके रूफ की तरफ। रूफ आपको बॉडी कलर में ही मिल जाता है, साथ ही साथ ये रहा इसका एंटीना। इसमें आपको नॉर्मल एंटीना का फंक्शन मिलता है। इसमें शार्क फिन एंटीना ऑफर नहीं किया जाता, किसी भी वेरिएंट में नहीं ऑफर किया जाता शार्क फिन एंटीना इसमें। अब बढ़ते हैं इसके रियर लैंप्स की तरफ। इसमें आपको LED रियर लैंप्स मिल जाते हैं, इसमें भी ट्राई डिजाइन आपको ऑफर किया जाता है। साथ ही और इधर साइड में मिल जाता है बलेनो का बैजिंग, साथ ही साथ ये रहा इसका लोगो। ऊपर में यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका कैमरा। इस वेरिएंट में आपको कैमरा का भी फंक्शन ऑफर किया गया है। अब इसके ऊपर की तरफ देखते हैं, इधर आपको मिल जाता है शार्क फिन एंटीना। इसमें हाई स्टॉप लैंप भी आपको ऑफर किया जाता है। साथ ही में बात कर लेते हैं इसके रियर विंडशील्ड की, साथ ही में इसमें आपको रियर वाइपर भी ऑफर किया गया है विथ फ्लूइड। चलते हैं अब इसके बम्पर की तरफ। बम्पर में आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए जाते हैं, साथ ही में दोनों साइड पे रिफ्लेक्टर भी मिलेंगे। कुछ ऐसा लगता है इसका रियर लुक, साइड से देखने पे प्रीवियस जनरेशन से ही मैच करता हुआ लुक है इसमें। यही था इसके रियर में। चलिए अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। खोल लेते हैं सबसे पहले इसका डोर। डोर की बात करें तो आपको इसमें सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज मिलेगा, साथ ही साथ हैंडल्स पे आपको क्रोम मिल जाता है। उसी के नीचे इधर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको ORVM से जुड़े कंट्रोल्स मिल जाएंगे और साथ ही में यहाँ पे लॉक और अनलॉक का बटन भी है और इधर विंडोज लॉक करने का ऑप्शन। इधर देख रहे हैं हम लोग तो इधर मिल जाता है आपको ग्लासेस जुड़ा कंट्रोल्स। ड्राइवर साइड विंडो आपको ऑटोमेटिकली 1 टच अप डाउन के साथ। इसी के नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे कोई भी बॉटल 1 लीटर कैपेसिटी वाला रख सकते हैं आप। और इस तरफ देखते हैं तो यहाँ मिल जाता है इसका आपको स्पीकर। साथ ही में हम ये भी बता दें इसमें आपको 6 स्पीकर ऑल ओवर सिस्टम मिल जाता है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अब इसके इंटीरियर की तरफ। चलते हैं इसके डैशबोर्ड पे। जैसा आप लोग देख रहे हैं ये रहा इसका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड लगभग डुअल टोन में आपको ऑफर किया गया है, ब्लू कलर टाइप कोई टेक्सचर दिया गया है और ऊपर में सॉफ्ट टच भी आपको ऑफर किया गया है ब्लैक कलर में। साथ ही में सेंटर में बीच में आपको सिल्वर कलर का फिनिश भी मिल जाता है। बात कर लेते हैं अब इसके स्टेयरिंग व्हील के बारे में तो इसमें आपको डिकर स्टेयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है और इसके पीछे की तरफ आपको मिल जाता है वाइपर से जुड़ा कंट्रोल्स।
और उसी के अपोजिट साइड मिल जाता है आपको लाइट से जुड़े कंट्रोल्स। चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। सेंटर में एक छोटी सी स्क्रीन मिल जाएगी जिसमें बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसके लेफ्ट साइड आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है और इसके राइट साइड आपको स्पीड मीटर मिल जाता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की। तो इसमें आपको टेल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन ऑप्शन मिल जाता है, दोनों तरह से एडजस्ट कर सकते हैं आप इसका स्टीयरिंग व्हील। इस तरफ का हो गया। आप चलते हैं हम लोग डैशबोर्ड के अपोजिट साइड की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ। तो इस तरफ मिल जाता है आपको सबसे पहले एक वेंट, साथ ही साथ वेंट के सराउंड क्रोम मिल जाता है आपको, और यहाँ पर मिल जाता है सेंटर में आपको सिल्वर फिनिश जो ऑल थ्रू द डैशबोर्ड गया हुआ है जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। और यहाँ पर मिल जाता है आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसमें आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया गया कंपनी की तरफ से। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का सपोर्ट, में आपको ब्लूटूथ का ही फंक्शन मिल जाएगा। इसी के नीचे की तरफ देखते हैं हम लोग, तो इधर आपको मिल जाता है वेंट, साथ ही में सेंटर में हैजार्ड लैंप मिल जाता है। इसके नीचे देखते हैं हम लोग, यहाँ मिल जाता है इसका क्लाइमेट से जुड़ा कंट्रोल्स, एसी से जुड़ा कंट्रोल्स और वेंट से जुड़ा कंट्रोल्स। इसमें सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ही मिलेगा। इसके नीचे की तरफ देखते हैं तो ये रहा इसका एसी बटन और बाकी सारे बटन्स। इसके नीचे की तरफ देखते हैं हम लोग तो ये रहा इसका चार्ज से जुड़ा पोर्ट, और इस तरफ मिल जाता है यूएसबी पोर्ट आपको। नीचे में कोई भी वायरलेस चार्जर ऑफर नहीं किया जाता। इसके यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, दो बॉटल होल्डर मिल जाता है। ये रहा इसका गियर नॉब, इसमें आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। तो पीछे की तरफ देखते हैं तो ये रहा इसका मैनुअल हैंड ब्रेक। अब इसकी ग्लो बॉक्स की तरफ हम लोग चलते हैं, खोल लेते हैं इसका ग्लो बॉक्स। डिसेंट स्पेस मिल जाता है इसमें आपको, बंद कर देते हैं अब इसका ग्लो बॉक्स। हम लोग चलते हैं इसके ऊपर की तरफ, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे मिल जाता है आपको मैनुअल डिमिंग रियर व्यू मिरर। इसमें ऑटोमेटिक बस और बस स्टॉप मॉडल में ऑफर किया गया है। साथ ही साथ इसके सन ब्लाइंड की बात करें तो इसमें आपको मिरर ऑफर किया गया है। सेंटर में आपको लाइट्स मिल जाएंगे हेलोजन में, बाकी और कोई फंक्शन इसमें नहीं मिलते हैं। और ड्राइवर साइड की तरफ देखते हैं हम लोग तो इस तरफ आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, इसमें भी मिरर आपको ऑफर नहीं किया गया है। डोर्स के साइड में आपको ट्विटर्स ऑफर किए गए हैं। चलते हैं अब इसके रियर की तरफ, सबसे पहले खोल लेते हैं इसका डोर। डोर खोलने के बाद हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो इसका हैंडल आपको मिलता है क्रोम फिनिश में, साथ ही साथ फ्रंट से मैच करता हुआ रियर डोर है। इसमें आपको सॉफ्ट टच भी मिल जाता है, और यहाँ पे पियानो फिनिश है। ये रहा इसका ऑटोमेटिक विंडो कंट्रोल्स। इसके नीचे की तरफ देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे मिल जाता है आपको 1 लीटर का बॉटल कीपिंग कैपेसिटी, साथ ही साथ यहाँ पे स्पीकर भी आपको मिल जाता है। बढ़ते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। अब अंदर जाने के बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है हम लोग को रियर वेंट्स। यहाँ पे आपको 2 रियर वेंट्स ऑफर किए गए हैं। साथ ही साथ नीचे में आपको 2 USB चार्जर्स भी मिल जाएंगे, और नीचे में एक फ़ोन रखने के लिए स्पेस भी मिल जाएगा। अच्छा, हम लोग इसके हैंड रेस्ट के बारे में बताना भूल गए थे, तो ये रहा इसका हैंड रेस्ट। ऊपर में आपको एक लाइट मिल जाता है रियर के लिए। इस तरह देखते हैं तो सीट्स के पीछे आपको मैगजीन होल्डर मिल जाता है, दोनों सीट्स के पीछे मिल जाएगा ये। बात करते हैं इन सीट्स के अंडर थाई सपोर्ट के बारे में, तो अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट मिल जाता है। और केबिन में स्पेस की बात करें तो केबिन में स्पेस भी अच्छा खासा है। रियर से देखने पे इसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है हम लोग को। इसके ऊपर की तरफ देखते हैं हम लोग तो यहाँ मिल जाता है इसका हैंडल, और यहाँ पे एक हुक भी है जिसमें आप सामान टांग सकते हैं। इसमें आपको हैंड रेस्ट नहीं मिल जाता है रियर में, बट इसमें आपको हेड रेस्ट मिल जाएंगे रियर्स में। यही था इसके सेकेंड रो में। आप चलिए इसके बूट की तरफ चलते हैं हम लोग, खोल लेते हैं इसका बूट। तो इसमें आपको 318 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। इस तरफ आपको लाइट्स भी मिल जाता है बूट में, और इसमें आपको पार्सल ट्रे भी ऑफर किया गया है। बाकी ये रहा इसका टायर किट, इसको हटा के देख लेते हैं इसका स्पेयर व्हील। इसमें आपको स्टील रिम मिल जाता है स्पेयर व्हील में। बाकी बात करें इन टायर्स की, तो इसमें आपको टायर्स की कंपनी अपोलो की तरफ से आने वाले टायर्स मिल जाएंगे। मैक्स स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। बंद कर देते हैं अब इसका बूट। जैसे कि फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको
37 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। बस यही था इसका वॉकअराउंड। बाकी कार के इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप बाकी सारे डिटेल्स जान सकते हैं। यही था इसका वॉकअराउंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ट्यूनिंग रोस्टर सिटी।